जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी जीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो मौसम विज्ञान से संबंधित रिपोर्ट है। क्या है उसका नाम? एक्सपेंडिंग हीट रेजिलिएशंस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। यह हमें बताती है कि हमारे जो मौसम विज्ञान में या मौसमी क्षेत्र में कहाँ पर टेम्परेचर हाई, मतलब कहाँ पर टेम्परेचर हाई है या कहाँ पर गर्मी ज्यादा है, इसके बारे में बात बताता है। तो 2022 की रिपोर्ट आ चुकी है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। तो इसके आधार पर, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत को सेफ्टी प्रयासों को बढ़ाना चाहिए कि इसके प्रति गर्मी में कमजोर जो पीपल हैं, प्यूपल हैं, मतलब जो गर्मी में कमजोर प्यूपल हैं शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके प्रति सेफ्टी प्रयासों को, सुरक्षा प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। क्या कह रही है ये रिपोर्ट? कह रही है कि रिपोर्ट के अनुसार यह कह रही है रिपोर्ट यह कह रही है कि भारत को जो ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और वो क्या है, वो कमजोर लोग हैं, मतलब वो उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो गर्मी को सह सकें। सह तो सकेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत से लोग होते हैं, देखो एसी लगाकर कूलर लगाकर अपना काम चलाते हैं, कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपने जीवन यापन की जो मूलभूत आवश्यक जरूरतें हैं ना, उसके सिवा क्या कहते हैं, वो अपने जीवन में उतना अर्निंग नहीं कर पाते कि ये इन सारी चीजों को, एसी वगैरह कूलर वगैरह को परचेज कर सकें। तो कहने का मतलब यह है कि ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया को उन लोगों के प्रति थोड़ा सा सुरक्षा पायदानों को बढ़ाना चाहिए, अपने अग्रसर सेफ्टी जो है, सेफ्टी प्रयास को उनके प्रति और अधिक बढ़ाना चाहिए। बात करते हैं कि जो ये तो एक ऐसी रिपोर्ट है जो एनआरडीसी के द्वारा, एनआरडीसी का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कारपोरेशन, इसका पूरा नाम क्या है, इसके द्वारा जारी की गई है। थोड़ा सा इससे पहले हम बात करते हैं जो हमारे भारत की आईएमडी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा क्या कहा गया है, इस अब की जो 2022 का मार्च महीना, इसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए, आईएमडी का मतलब क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जारी किया है कि अब की जो मार्च 2022 है, यह 1901 के बाद का सबसे गर्म महीना है, सबसे हाई टेम्परेचर हाई वाला महीना है 2022 का जो मार्च है, सबसे हाई टेम्परेचर का महीना है, कब, 1901 के बाद। अच्छा, ऐसे हम अनुमान भी लगा, मतलब ये डाटा बताता है कि लगभग 120 साल बाद ऐसा महीना आया है या ऐसा समय आया है जहां पर टेम्परेचर मार्च महीने में सबसे ज्यादा हो। और क्या कहता है कि पश्चिम और मध्य भारत में अब की बार क्या हुआ पता, कि 40 से प्लस टेम्परेचर पहुंच चुका है मार्च महीने में ही, हाई टेम्परेचर हाई हो चुका है। आगे बात करते हैं एनआरडीसी के बारे में, ये क्या कहती है, ये रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट में जारी किया है कि लू से प्रभावित जो शहर, लू का मतलब ऐसी हवाएं जो गर्म हवाएं होती हैं, जो गर्मी में हवाएं दोपहर में चलती हैं, उन्हें लू हवाएं बोलते हैं और उन्हें हीट वेव से भी बोलते हैं। तो जैसे आपको पता है केरला वगैरह में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, और हिमाचल प्रदेश में आपको पता है थोड़ा सा ठंडा शहर है, तो वहां पर अब की बार पता है क्या देखा गया, हीट वेव देखा गया। लू से प्रभावित शहर ये जो है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश देखे गए, यहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर हाई अब की बार हुआ है। फिर क्या कहते हैं कि दूसरी चीज ये है कि ये ठंडा प्रदेश होने के कारण यहाँ की हिस्ट्री में, इसका मतलब यहाँ की हिस्ट्री में हीट वेव का कोई मतलब ही नहीं था, अभी तक प्रयोग ही नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है मार्च महीने में हमें देखने को मिला है हीट वेव तो वहां पर। और क्या रिपोर्ट कहती है कि 2019 में जो ईडब्ल्यूएफ का मतलब इफेक्टिव स्टेट, मतलब 2019 में जो इससे लू से प्रभावित राज्य थे उनकी संख्या कितनी थी, 28 थी, और 2018 में इफेक्टिव स्टेट कितने थे, 19 थे। आप सोचिए एक साल में लगभग 9 राज्य की संख्या बढ़ लगभग पूरे भारत में हम कह सकते हैं तरीके से। दूसरी बात, यह रिपोर्ट एक सफलता को भी बताती है कि जो गर्मी से प्रभावित क्षेत्र हैं उनके उनके लिए किए गए एक
सफल परीक्षण को भी यह रिपोर्ट बताती है जो अहमदाबाद में किया गया। शुरुआती मतलब इसकी शुरुआत कब की थी, 2013 में शुरुआत हुई थी। यह एक हीट वर्ग कार है, सॉरी गर्मी से प्रभावित गर्मी से प्रभावित कार्य योजना थी। इसकी सफलता भी उन्होंने बताया कि इसकी जो पहल थी ना, ये अहमदाबाद में जो पहल की गई, ये दक्षिण एशिया की फर्स्ट पहल है जिसे विकसित किया गया। ये दक्षिण एशिया की फर्स्ट पहल है जिसे विकसित किया गया। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट के, मतलब इसको शुरू करने के बाद जो समाज में प्रभाव क्या देखने को मिला, लोगों के जीवन के स्तर में क्या देखने को प्रभाव मिला, तो इसका जो रिजल्ट है, आपका मतलब रिजल्ट है, वो देखा गया कि जब ये योजना लागू की गई उसके बाद से 1190 पर ईयर जो डेथ हुआ करती थी, इससे पहले क्या होता था पता है, 1190 पर ईयर डेथ हुआ करती थी, उसे क्या किया गया, उसे कम किया गया है, ऊपर काफी ज्यादा मतलब उसको बचाया जा रहा है, लोगों को 1190 लोगों को पर साल बचाया जा रहा है इस परियोजना के, इस योजना के तहत। आगे बात करते हैं ओडिशा सरकार ने भी इसके संदर्भ में अपने विचार पर या अपने आधार पर कार्य कर रही है। उन्होंने क्या किया है कि पीक आवर से उन्होंने ये देखिए, जैसे आप ट्रांसपोर्शन में देखते हैं, ट्रांसपोर्ट में देखते हैं, आप कारपोरेशन वगैरह में देखते हैं, परिवहन विभाग में देखते हैं, तो गाड़ी जब चलती है तो वो हीट का इमिशन करती है, हीट को इन्वायरमेंट में छोड़ती है, तो इससे क्या होता है कि जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा आपके इन्वायरमेंट का। तो उन्होंने क्या किया कि पीक आवर्स जो होते हैं उनमें परिवहन को प्रतिबंध लगा दिया यात्रियों को, इससे क्या होगा, प्रतिबंध लगा दोगे तो टेम्परेचर कम होगा, इससे क्या होगा यात्रियों में थोड़ा सा तनाव कम होगा, क्योंकि देखिए स्वस्थ रहने के लिए हम कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर आपके लिए, आपके शारीरिक संतुलन को बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, तापीय फैक्टर भी होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, ऑक्सीजन लेवल फैक्टर होता है, तो गर्मी जो है गर्मी बेसिक रूप से बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए ओडिशा सरकार ने ये योजना बनाई है। साथ ही साथ सलाह, ये रिपोर्ट सलाह क्या देती है कि विकसित देश को क्या क्या करना चाहिए, इसके संदर्भ में जागरूकता बढ़ानी चाहिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक संगठन या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको एक पास लाकर उनको इस बारे में जागरूक किया जाना कि कैसे क्या किया जाए। दूसरी चाहे जो हेल्थ वर्कर है उनको परीक्षण दिया जाना चाहिए इसके संदर्भ में, और अनुकूल स्थान बनाना चाहिए। अनुकूल स्थान बनाने का तात्पर्य यह है कि सही सही जगह पर, मतलब ऐसे स्थान पर जहां पर लोगों को पानी की आवश्यकता हो, वहां पर हम इतना नहीं नॉर्मल पानी की आवश्यकता की आपूर्ति करें। दूसरी चीज यह है कि अनुकूल स्थान मतलब लोगों को छाया दें, मतलब जैसे पेड़ वगैरह लगा सकते हैं, अगर सड़क के बगल बहुत ही लंबा रूट है और वहां पर ऐसा है कि ऐसे लोग भी ट्रेवल करते हैं जो साइकिल से या बाइक से चलाते हैं, तो वहां पर उस सड़क के अगल बगल हम क्या लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, इससे क्या होगा कि इससे भी अनुकूल स्थान बनाया जा सकेगा, जगह जगह पर पानी के टैंक लगा कर, पानी की टंकी बनाकर हम लोगों को इसके साथ जागरूक कर सकते हैं, और एक अच्छी पहल के तहत हम एक अच्छे मुकाम पर भी पहुंच सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आया होगा। हम आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।